यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी दल अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा कर रही है तो बसपा ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हल्ला बोलकर कार्यक्रम का सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वहीं दूसरी ओर यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा लोगों से मिलकर योगी सरकार के क्रियाकल्पों को बतला रही है, लेकिन किसी भी दल ने लखनऊ में लगभग 2 महीने से आंदोलनरत अभ्यर्थियों की सुध तक लेने की जरूरत नहीं समझी और न ही अपने भाषणों में जोर शोर से किसी ने उठाई। राजधानी लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। बता दें, पिछले 72 दिनों से शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इको गार्डन में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचकर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मौके पर मौजूद पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है सरकार 1,37,000 भर्तियों को पूरा करने के लिए कहा था, लेकिन 22,000 सीटें अभी भी खाली हैं जिन्हें भरा जाना चाहिए। वहीं भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने शिक्षक अभ्यर्थियों के धरने पर पहुंचकर उन्हें समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वह इस आंदोलन से पूरी तरह जुड़ चुके हैं। सरकार ने अगर जल्दी मांगों को पूरा नहीं किया तो 2022 के विधानसभा चुनाव में यही युवा इनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बैठा है। सूरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज 72वें दिन भी जारी है, क्या कहेंगे? मेरे दिल में तभी इच्छा नहीं रहती है कि मैं अपना प्रभाव देखिए। 69,000 अभ्यर्थी ये जो इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उनका समर्थन कर रहे हैं। ये 69,000 अभ्यर्थी आरक्षण घोटाले की मांग कर रहे हैं, आरक्षण घोटाले में जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें कहीं ना कहीं आरक्षण घोटाला हुआ है भाजपा की सरकार में, उसकी जांच की मांग को लेकर यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं। उनका समर्थन करने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी वहाँ पर आज 2 दिन से उनके साथ धरने पर बैठे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार जो है उनकी मांगों को नहीं मान लेती है, जब तक हम वहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ लगातार बैठ कर उनका उनका समर्थन करेंगे और तमाम उनकी मांगों को लेकर सरकार तक आवाज उठाएंगे। जी, दूसरी तरफ 72 दिन से प्रदर्शन सूरज चल रहा है, लेकिन न सरकार की तरफ से कोई सुध लेने आ रहा है, और बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी कहीं इस प्रदर्शन में दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, 2022 का चुनाव आ रहा है करीब में और तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रणनीतियां अपना रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो 69,000 शिक्षकों की जो शिक्षक हैं उनके सुध नहीं ले रही है, उनके बारे में कोई आवाज नहीं उठा रही है। जिसको देखते हुए चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के चीफ जो वहां पे उनसे मिलने पहुंचे, उनकी समस्याएं सुनी और उनका समर्थन करते हुए ये कहा कि हम यहाँ पर जब तक इनकी मांगों को संज्ञान नहीं लेती है सरकार, जब तक हम यहाँ पर उनका समर्थन करेंगे, उनकी मांगों को आगे तक ले जाएंगे। तो जिस तरह से ये 69,000 अभ्यर्थी हैं, 22,000 योग्य सीटें जैसे मांगों को लेकर, जोड़ने की मांगों को लेकर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, कभी विधानसभा के सामने तो कभी भाजपा कार्यालय के आगे तो कभी मुख्यमंत्री आवास के आगे प्रदर्शन करते हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अभी सुध नहीं ले रहे हैं, उनकी आवाज नहीं सुन रहे हैं। अधिकारी कहीं ना कहीं इसमें जानबूझकर अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर भी कई बार घेराव किया जा चुका है, कई बार विधानसभा के सामने भी घेराव कर चुके हैं ये अभ्यर्थी, लगातार अपनी मांगों को लेकर डंडा भी खा चुके हैं, पुलिस का धक्का भी खा चुके हैं, कई का हाथ फ्रैक्चर हो गया तो कई के पैर टूट गया। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भीषण गर्मी में दोपहर में SCERT कार्यालय के बाहर जो पानी की टंकी लगी है उस पे चढ़े हुए हैं, आज कई दिनों से उसे चढ़ के सरकार से आवाज उठा रहे हैं, जो SCERT के अधिकारी हैं उनसे आवाज उठा रहे हैं कि हमारी मांगे मानी जाए, और जो कहीं ना कहीं अधिकारी से अनसुना करके उनकी मांगों को अभी भी नहीं सुन रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सहित
शिक्षा मंत्री सहित तमाम अधिकारी उनके आवाज को अनसुना कर रहे हैं और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए इको गार्डन में बैठे हुए इको गार्डन में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी उनकी समर्थन इसलिए आ गए कि क्योंकि इतने दिनों से वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक उनकी मांगे नहीं सुनी गई। तो चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ है, कहीं ना कहीं उनके आने के बाद एक राजनीतिक उथल पुथल देखी गई है। कुछ लोग उनके समर्थन शिक्षकों के समर्थन में भी आए, कल रात में भी कैंडल मार्च निकाला गया वहां पे इको गार्डन में। अब देखने की बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनकी जो मांगे हैं उनका कब संज्ञान में लेते हैं। जानकारियों के लिए शुक्रिया सूरज आपका।